प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्लास्टिक की बोतल की धागे से बनी जैकेट पहनकर बुधवार को संसद पहुंचे थे, वो जैकेट दरअसल हरियाणा के पानीपत में स्थित धागे की फैक्ट्री में बने धागे से बनकर तैयार हुई है। पानीपत में ऐसी जैकेट के लिए यान में सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है और यही वजह है कि पानीपत जिला प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करने का हब माना जाता है, जिससे तैयार हुए धागे से अलग अलग डिजाइन की जैकेट और कंबल तैयार किए जाते हैं, जिससे अब इस फैक्ट्री की डिमांड काफी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बढ़िया मैसेज आया, प्रधानमंत्री जी ने जो रिसाइकल की वो जैकेट डाली है संसद में, तो उसका बहुत बढ़िया लोगों में वो गया है, क्रेज गया है कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को डालेंगे। वो जैकेट वाकई ही पानीपत के धागे से बनी हुई थी। वहीं उद्योगपतियों का कहना है कि प्लास्टिक से धागा बनने से पर्यावरण तो साफ होगा ही और साथ ही मुनाफा भी होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में लोगों को संदेश देने के बाद लोग जागरूक भी हुए हैं। साथ ही लोग खाली प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने की बजाय उन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा सकेंगे। उद्योगपति राकेश मुंजाल ने कहा कि प्लास्टिक फाइबर को कॉटन फाइबर के साथ 20% से 50% तक मिलकर धागा तैयार किया जाता है। इस धागे की क्वालिटी भी बेहतर होती है। यहाँ भी फायदा मिलेगा सर। एक चीज बताओ, एक हम वर्जन फाइबर को यूज कर रहे हैं और एक रिसाइकल फाइबर को यूज कर रहे हैं, उसके कॉस्टिंग में बहुत डिफरेंस। तो रिसाइकल के फाइबर से तो एक तरह का देखा जाए तो प्रोडक्ट भी थोड़ा सस्ता तैयार होगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में खूब धागा हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको बता दें कि पानीपत से इस धागे से बने उत्पाद को अमेरिका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बड़े देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जहां इनसे बने उत्पाद की बढ़िया मांग है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा वेस्ट प्लास्टिक की बोतल से बने हुए धागे की जैकेट पहनने के बाद इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। पानीपत से सूर्य समाचार के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।